हाय एवरीवन, मतलिका किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन और पालक का ढोकला। देखिए कैसे बनाती हूँ। पालक और बेसन का ढोकला बनाने के लिए हम पहले पालक लेंगे। आधा जोड़ी हमने पालक लिया है, उसको बारीक काट लिया। बारीक काट के उसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। और हमने बेसन लिया है 2 बाउल। ये आपको एक मेजरमेंट लेना है, जैसे 1 बाउल है उसी मेजरमेंट के आपको सारा कुछ करना है। तो मैंने एक जैसे इस टाइप का एक बाउल है वो मैंने ले लिया है। तो ऐसे 2 बाउल भर के हमने बेसन लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पालक है इसको हम मिक्सर जार में डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बेसन। 2 बाउल भर के हमने बेसन डालेंगे। साथ में डालेंगे हम जो बाउल लिया है उसमें ही 1/2 बाउल करीब हम इसमें डालेंगे दही। खट्टा दही है वो हम डाल देंगे। और ये बाउल है, इस बाउल को भरकर ही हम 1 बाउल उसमें पानी डालेंगे। टू स्पून हम डालेंगे इसमें रवा। थोड़ा हम डालेंगे अदरक और मिर्ची का पेस्ट वो हम डाल देंगे। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। ये हमने ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करके इस टाइप का इसका टेक्सचर हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है ना पालक के साथ। अभी जब तक हम इसमें पानी गरम करने रखेंगे स्टीम के लिए, तो इस टाइप के हमने कोई भी आप बर्तन ले लीजिए जिसमें स्टीम करना है। उसमें हमने पानी डाला है और एक स्टैंड रख दिया है। इधर हम पानी को गरम करेंगे कवर करके। और दूसरी तरफ जिस बर्तन में हमें ढोकला बनाना है, जैसे एक हमने ये बर्तन लिया है इसमें हमें ढोकला बनाना है, तो इसमें हम इसको ग्रीस कर लेंगे। आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। इसको हम चारों तरफ से अच्छे से ग्रीस करेंगे। ग्रीस करके इसको हम एक साइड में रखेंगे। अब जो हमारा मिक्सचर है, इस मिक्सचर में हम डालेंगे लिटिल सॉल्ट। ये अपने टेस्ट के अनुसार आपको डालना है। वन स्पून इनो। हाफ स्पून करीब शुगर। 1 स्पून भी हम इसमें डालेंगे ऑयल। अब इसको अच्छे से हम फिर से ग्राइंड करेंगे। इसको हमने ग्राइंड कर लिया इनो डाल के, तो देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आ गया है इसका। अब जो बर्तन है इसमें हमने ऑयलिंग किया है, उसमें हम इसको डाल देंगे। अभी हम देखते हैं ये पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो गया है। इसमें अब जो हमारा बर्तन है वो इसमें हम रख देंगे स्टीम करने के लिए। और इसको चारों तरफ से कवर कर देंगे अच्छे से। इसको अभी हम 20 मिनट तक हम इसे पकाएंगे, उसके बाद ही हम इसे
कितना फ्लफी बना है हमारा ढोकला, इसको हम चेक करते हैं। ये ढोकला हमारा रेडी हो गया है, इसको भी हम गैस को बंद किया, इसको हम 5 मिनट ठंडा करने रखेंगे निकाल के। इसको अभी हम ठंडा करेंगे। अभी ये ढोकला हमारा ठंडा हो गया है, इसको हम प्लेट में निकाल देंगे, इसको उल्टा करके टप टप करेंगे। वाव, क्या मस्त ढोकला बना है। अब इस इधर इसका हम तड़का रेडी करेंगे। तड़का रेडी करने के लिए एक हमने फ्राई पैन लिया, उसमें हम ऑयल डालेंगे 2 स्पून करीब। और डालेंगे लिटिल राई, 1 स्पून हम राई डाल देंगे। अब यहाँ वेट करेंगे अपने राई के तड़कने का। ये देखिए कितना स्पंजी हमारा ढोकला बना है, देखिए कितना स्पंजी है। अब इसको हम पीस कर लेंगे। आपको जिस साइज में काटना हो साइज के आप काट सकते हैं पीसेस। ये हमारी राई अच्छे से तड़क गई है, इसमें हम दो डालेंगे कड़ी पत्ता। गैस को बंद किया और जो हमने ढोकला बनाया है उसमें हम इस तड़के को डाल देंगे अच्छे से। थोड़ा सा हरा धनिया, देखिए एक पीस में आपको काट के दिखाती हूँ। हमारा पालक और बेसन का ढोकला इतना फ्लफी बना हुआ है, देखिए कितने सारे इसमें सॉफ्ट है, कितनी अच्छी जाली बन गई है इसमें। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिए और बहुत जल्दी ये रेसिपी बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए, इससे मेरे आने वाले वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। थैंक यू।